हेलो गाइस, क्लास है मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2। 7.1 में आपने देखा था कि आपको क्यूब फाइंड करने थे, तो उसमें क्या किया था आपने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब फाइंड किए थे। अब इसमें क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। 7.2 में क्या है, क्यूब रूट मीन्स उसका रूट निकालना था। 3 के पेयर में से 1 अपने इसमें चूज करके बाहर निकालेंगे। इसमें कौन से मेथड से करने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन नंबर 512, तो सबसे फर्स्ट अपने क्या करेंगे, 512 में क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 512 में प्राइम फैक्टर करो, 2 से डिवाइड किया, 2 जा 4, 1 कैरी 11, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 64, फिर 2 पे 32, फिर 2 पे 16, 2 पे 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, और लास्ट में 2 से डिवाइड किया 1। तो प्राइम फैक्टर क्या हो गया आपके से, प्राइम फैक्टर ऑफ 512 के 2 × 2 कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 टाइम क्या आ गए, 2 आ गए। अब देखो क्यूब रूट बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं, इन 3 2 का वन पेयर बन गया। अब इस 3 2 का सेकंड पेयर और इस 3 2 का थर्ड पेयर, मीन कितने पेयर बन गए अपने पास, 3 पेयर बन गए। तो अब क्यूब रूट निकालने के लिए आपने पेयर में से 1 डिजिट बाहर लेते हैं, किसका पेयर है, 2 का, 1 2 इसमें से आ गया, फिर 1 2 इसमें से बाहर आ जाएगा और 1 2 इसमें से बाहर आ जाएगा। तो क्यूब रूट हो जाएगी आपके पास, क्यूब रूट ऑफ 512 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरह आपने सभी क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करने, सिंप्लीफाई करने। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें स्टेट 2 एंड फर्स्ट, अपने आप क्या करना, क्वेश्चन नंबर 3, यू आर टोल्ड दैट। अब इसमें भी क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, लेकिन फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकालना, कौन से मेथड से निकालना है, एस्टिमेट मेथड से निकालना है। अब इसमें क्या होते हैं, आंसर आपके राइट भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं। मीन्स परफेक्ट क्यूब नहीं निकलेगा आपके पास, क्यूब रूट नहीं निकलेगा, एस्टिमेट मीन्स उसके आस पास आपका आंसर मैच हो जाएगा, इवेल्युएट आपके पास एक्सरसाइज मतलब एक्चुअल आंसर आपके पास नहीं आ सकता। इसमें किसी क्वेश्चन का आ भी सकता है, लेकिन मोस्टली एक्चुअल आंसर आपको गेट नहीं होगा। मान लो अपने पास क्वेश्चन है थर्ड का, अपने कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, मान लो आपने लेते हैं 12 167, इसको किससे निकालना है, एस्टिमेट मेथड से। ध्यान से देखना, इसमें अपने राइट हैंड से क्या बनाना है, पेयर बनाना है, राइट हैंड से 3 का पेयर बनाया, इन 3 डिजिट का पेयर बन गया, कितने पेयर बन गए, फर्स्ट सेकंड, कितने पेयर बन गए, 2, और फर्स्ट पेयर में कितने डिजिट आए, 3, और सेकंड पेयर में कितने डिजिट आ गए, ओनली 2 डिजिट है, सो 2 बचे तो 2 3 हो जाए, तो 3 1 है तो 1, जितने भी डिजिट बचते हैं वो निकाल लेते हैं। फर्स्ट अपने फर्स्ट पेयर आपके पास क्या है, 167 का, इसकी जो 1 डिजिट है वो कौन सी है, 7, तो 7 की क्यूब क्या हो गई, 7 की क्यूब की 1 डिजिट क्या आई, मान लो 7 को आपने क्या करना है, क्यूब निकाल देंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 7 7 49, फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 9 63, मीन्स लास्ट डिजिट क्या आई, 3 आ जाएगी। इसकी लास्ट डिजिट पेरेंट्स 1 पेरेंट स्पेस में कौन सा डिजिट है, 7, 7 की क्यूब का 1 पेरेंट डिजिट कौन सी है, 3, तो फर्स्ट आप आंसर आ जाएगा 3, क्लियर। फिर आप सेकंड पेयर करोगे, सेकंड पेयर में क्या है, 12, अब 12 बच गया, अब आपने देखना है 12 किसके नियर बाई आ रहे हैं, किसके क्यूब के बिटवीन आ रहे हैं। देखो आपने 1 की क्यूब निकाले, 1 की क्यूब क्या होती है, 1, 2 की क्यूब क्या होती है, 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, ओके। अब 12 किसके बीच में आ रहे हैं, 8 और 27 के, मीन्स
टू की क्यूब एंड थ्री की क्यूब के बीच बिटवीन क्या है 12 आर है। यहां पे लिख दो आप टू की क्यूब लेस देन 12 लेस देन थ्री की क्यूब। अब इसमें से आपको क्या करना है, जो स्मॉल होगा स्मॉल नंबर अब टू और थ्री में से स्मॉल नंबर कौन सा हो गया टू, तो इसके आगे सेकंड डिजिट क्या लगी टू मीन्स 23 आपके क्या जाएगा आंसर आ जाएगा क्यूब रूट किसकी 12,167 23। ये एस्टिमेट मेथड है, एक्चुअल आपका आंसर नहीं हो सकता मीन्स एस्टिमेट आंसर ही आता है, एक्चुअल आंसर आपका अगर नहीं हो सकता, हो भी सकता है कुछ क्वेश्चन में लेकिन सभी क्वेश्चन का जो आपका एक्चुअल आंसर होगा वो गेट नहीं होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस तरह इसके जो अदर एग्जाम्पल्स आपको गिवन है वो अपने आप होगी।